हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय मैथ पीरियड। टुडेज वी हैव गोइंग ऑन थर्ड चैप्टर, दैट इज द एडिशन। ओके, देन लास्ट पीरियड वी हैव लर्न एडिशन ऑफ फोर डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग। ओके, एडिशन ऑफ फोर डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग। ओके, देन लास्ट पीरियड आई गिव द होमवर्क सेल्फ प्रैक्टिस थर्ड डी। ओके, सेल्फ प्रैक्टिस थर्ड डी मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये आपको सॉल्व करना था। ओके, 12 एग्जाम्पल्स थे विदाउट कैरिंग और ये बहुत इजी थे। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन ऑफ फोर डिजिट नंबर्स विथ कैरिंग। ओके, मतलब आज हम फिर से फोर डिजिट नंबर्स का एडिशन देखने वाले हैं विथ कैरी। पहले देखा था हमने विदाउट कैरी। ओके, तो आज हम देखेंगे विथ कैरी, मतलब यहाँ पे आपको कैरी करना पड़ेगा। ओके, देन फर्स्ट एग्जाम्पल सो आई कैन एक्सप्लेन। देन फर्स्ट राइट 2468, ओके, एडेड एंड 5896, ओके। सो अरेंज दिस नंबर्स लाइक दैट, 2468 प्लस 5896, ओके। आप देख सकते हो देर आर फोर डिजिट, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। ओके, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। ओके, सो फर्स्ट सॉल्व इन एडेड वंस, मतलब वंस प्लस सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ेगा, दैट इज एट वंस एंड प्लस सिक्स वंस, सो फोर्टीन वंस। सो फोर्टीन वंस, ओके, फोर्टीन वंस आर इंक्लूड 110। ओके, मतलब 14 में 10 इंक्लूड है। ओके, सो 110 इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 4, 14। ओके, सो यू कैन राइट नाउ दिस इज वंस प्लस 4, दिस इज वंस टेंस। ओके, सो 110, 110 इज इक्वल टू 10, सो 4 कैन राइट नाउ वंस प्लस, देन 1 इज इक्वल टू कैरी। ओके, 1 आपको टेंस में कैरी करना है। ओके, तो हमने 110 टेंस में कैरी कर लिया है। 6 प्लस 1 7, ओके, देन 7 प्लस 9 16, सो 16 टेंस, सो 16 टेंस इज इक्वल टू 160। ओके, 16 टेंस, 1 के आगे 1 डिजिट है। ओके, 1 डिजिट है तो आपको एक जीरो यहाँ पे लगाओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 160। ओके, तो हमने देखा है कि ये हमारा वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है और ये थाउजेंड प्लेस है। ओके, तो सिक्स टेंस, टेंस में आपको सिक्स टेंस, ओके, सिक्स टेंस लिखना है। सिक्स टेंस इज इक्वल टू 60, सो यू कैन राइट नाउ सिक्स, ओके, टेंस प्लस, देन 100 इज अ कैरी अबाउट 100 प्लस। ओके, वन हमने अगेन कैरी किया है लेकिन ये 100 है, ध्यान में रखना। ओके, 4 प्लस 1 5, देन 5 प्लस 8 13। ओके, सो यू कैन राइट नाउ 3 एंड अगेन 1000 इज कैरी। ओके, 13000 मतलब 1000 एंड 300। ओके, सो 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 5 8, तो आपको आंसर मिल गया है 8364। ओके, सो 8364 इज योर आंसर। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखने वाले हैं, सेकेंड एग्जांपल, फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी सिक्स प्लस 2588। ओके, एक एग्जाम्पल हमने लिख लिया है। अगेन फर्स्ट एडेड वंस आपको राइट टू लेफ्ट में सॉल्व करते हुए जाना है। ओके, कभी भी आपको लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते हुए नहीं जाना है। ओके, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वंस को ही सॉल्व करना है। सिक्स प्लस एट फोर्टीन, कैरी वन। ओके, एट प्लस फाइव थर्टीन, ओके, कैरी वन। एट प्लस फाइव थर्टीन, प्लस वन फोर्टीन, ओके, कैरी वन। देन फाइव प्लस थ्री एट, ओके, 8434। तो ये आपका आंसर है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, 7834 प्लस 1936, ओके, अगेन एडेड वंस, 4 प्लस 6,
10, तो हम 10 लिखते हैं, तो 0 आपको 1's प्लेस में लिखना है और 1 कैरी करना है 10's प्लेस में. ओके, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7. ओके, 8 प्लस 9 17, अगेन 17 टू डिजिट, 7 इज राइट 100 प्लेस, 700 एंड 1 कैरी इन 1000 प्लेस. सो 7 8 एंड 9, 9770. ओके, उसके बाद फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, 6243 प्लस 2967. ओके, 3 प्लस 7 10 कैरी, 4 प्लस 1 5 प्लस 6 11 1 देन कैरी 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 9 12. ओके, कैरी 1, 6 प्लस 3 8, 8210. ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, 5684 प्लस 1738. ओके, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14. ओके, कैरी 1, 5 प्लस 2 7, दिस इज 7422. नेक्स्ट एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, 2967 प्लस 7218. ओके, 8 प्लस 7 15. ओके, कैरी 1, 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 2 11. ओके, कैरी 1, देन 7 प्लस 3 10. ओके, 10185. तो इस तरीके से हमने देखा है कि किस तरीके से इन एग्जांपल्स को सॉल्व किया जाता है. ओके, आप मेंटली भी कैरी कर सकते हैं या फिर आप ऊपर भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है एडिशन ऑफ मोर देन टू नंबर्स. ओके, एडिशन ऑफ मोर देन टू नंबर्स, तो दो से ज़्यादा. ओके, मोर देन टू नंबर्स, दो से ज़्यादा नंबर्स आपको यहाँ पे दिए रहेंगे, उनका एडिशन आपको करना होता है. ओके, एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एडेड 864 प्लस 2907 प्लस 3765 प्लस 1874. ओके, सभी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, अभी इनको अरेंज करना है. ओके, अरेंज करने के लिए आप इनकी जगह चेंज करोगे तो भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है. ओके, तो चलिए स्टार्टिंग से ही लिख लेते हैं, देर आर फोर डिजिट. ओके, सो वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. ओके, सो 864 सबसे पहले वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. ओके, सो 864, तो हंड्रेड प्लेस में 800, जब हम बोलते हैं ना 864, तो 100 प्लस में 100 नंबर ही आना चाहिए. ओके, सो 864. नेक्स्ट 2000, मतलब 1000 प्लस में 2 आना चाहिए, 2907. देन 3765. देन प्लस 1874. ओके, मोर देन टू नंबर्स, मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में बताया था. ओके, देर आर ग्रुपिंग एंड एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ओके, तो फर्स्ट यू कैन सॉल्व द वंस. सो 7 + 4. ओके, सबसे पहले आपको किसी दो नंबर का एडिशन करना पड़ेगा. ओके, दो नंबर का एडिशन करते हैं, 4 + 7 = 11. ओके, 11 + 5 = 16. 16 + 4 = 20. ओके, सो 0, 2 carry. 6 + 6 = 12. ओके, 6 + 6 = 12. 13 and 14. ओके, 14 + 7. ओके, तो 14 + 7 आपको क्विकली नहीं आ रहा है, तो आप 14 के आगे 7 नंबर बोल सकते हैं. ओके, लाइक दैट 14 हो गया. 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. 7 नंबर कहा था मैंने, सो 21. सो यू कैन राइट नाउ 1 then 2 carry 100 प्लेस में. 8 + 2 = 10 + 9 = 19 + 7. ओके, 26 + 8 = 34. ओके, देन 3 carry इन 1000 प्लेस. सो 3 + 2 = 5 5 + 3 = 8 8 + 1 = 9. ओके, तो 9410 ये हमारा आंसर हुआ. मतलब मोर देन टू नंबर्स की एडिशन भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो. ओके, उसके बाद एक क्विक असेसमेंट है यहाँ पे. ओके, देयर आर 4 एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं हम, यही पे हम सॉल्व करेंगे. ओके, 5 + 3 = 8. ओके, 5 + 3 = 8. 5 + 3 = 8. 9 + 6 = 15. ओके, कैरी 1. 4 + 4 = 8 + 1 = 9. ओके, 5 + 4 = 9. 7 + 8 = 15. ओके, कैरी 1. 8 + 8 = 16. ओके, कैरी 1. 5 + 3 = 8. 7 + 5 = 12. ओके, कैरी 1. 1 + 0 = 1. मैंने आपको 0 प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में बताया था. ओके, 1 + 0 = 1. मतलब एनी नंबर प्लस 0, सो ऑलवेज नंबर इटसेल्फ इज आंसर. ओके, 1 + 3 = 4. 9 + 1 = 10. ओके, कैरी 1. 4 + 4 = 8. अगेन 4 + 8 = 12. ओके, कैरी 1. 8 + 5 = 13. कैरी 1. 7 + 7 + 1 = 7 + 7 = 14 + 1 = 15. ओके, कैरी 1. 4 + 4 = 8. तो इस तरीके से हमने क्विक असेसमेंट सॉल्व किया है. उसके बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस थ्राइज ई. ओके, सेल्फ प्रैक्टिस थर्ड ई है, इसको आपको इजीली सॉल्व करना है. और कुल मिला के 12 क्वेश्चंस, 12 एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए. ओके, विथ कैरिंग में एडिशन ऑफ मोर देन टू नंबर्स भी यहाँ पे आपको दिए हैं. ओके, तो इन सभी को आपको सॉल्व करना है. ओके, और बहुत ही इजी है. अभी कुल मिला के 15 मिनट्स का ये वीडियो है, एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया है. उस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से आपको सुनना है, अच्छे से आपको वीडियो देखना है, और उसके बाद बचे हुए 15 मिनट्स में आपको यहाँ से कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हैं. ओके, दिस इज योर क्लास वर्क. और जो रिमेनिंग एग्जांपल्स रहेंगे उनको आपको होमवर्क बेस पे सॉल्व करना है. ओके, तो आज हम अभी रुकेंगे अभी यहीं पे. ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, सी यू टुमारो.